Assalamualaikum friends, welcome back to my YouTube channel Life with Tehmi Khan. आज की इस वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मटन शनवारी. मटन शनवारी यानी कि बकरे के गोश्त की जो है वो शनवारी हम बनाएंगे. बेसिकली शनवारी जो है इसका ओरिजिन वो है केपीके से और पश्तून डिश है ये. पठानों में बहुत ज़्यादा ये मतलब मशहूर है और वो लोग पकाते हैं. और यहाँ पे हमारे जो पंजाब है यहाँ पे भी इसको जो है बहुत शौक से खाया जाता है. तो मैंने सोचा मैं इसकी कंप्लीट रेसिपी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया 1 किलो बकरे का गोश्त. और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चांप का गोश्त ले रहे हैं या आप दस्ती का ले रहे हैं या आप मतलब इसमें डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, आप कौन सा गोश्त ले रहे हैं. मैंने ये मिक्स गोश्त लिया है जिसमें चांप का भी है, दस्ती का भी है और रान का भी है. ठीक है, प्रेशर कुकर में मैंने गोश्त को डाल दिया है आपके सामने. और अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी. ये जग जो है वो 1 लीटर का है तो मैंने इसमें 2 लीटर के करीब जो है वो पानी डाल दिया था. तो इसके अंदर आपने कोई नमक मिर्च मसाला कुछ भी नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि इसकी एक अलग से रेसिपी है. और ये मैंने लगा दिया प्रेशर कुकर यहाँ पे और वेट लगा रही हूँ. और जनाब जी इसको हम चढ़ा देंगे गोश्त को. इसके अंदर जो चीज़ डलेगी वो है टमाटर. 3 फुल बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं, ठीक है. इसके अलावा इसमें सब्ज़ मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है और काली मिर्च है और नमक. सिर्फ ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा. इसके अंदर जो है वो पीसी हुई लाल मिर्च, तो धनिया पाउडर, ऐसे कुछ नहीं करना. ठीक 15 मिनट के बाद जो है मैंने इसका ढक्कन खोल दिया. आपने 15 मिनट से कम और 15 मिनट से ज़्यादा की टाइमिंग इसमें नहीं लगानी. और टाइमिंग आपने नोट करनी है जब उसकी सीटी जो है वो बजना स्टार्ट हो जाए, तब से टाइमिंग आपने इसकी नोट करनी है. और ये देखें, अगर आप 15 मिनट से कम की टाइमिंग लगाएंगे तो आपका गोश्त सही तरीके से नहीं गलेगा. और जो गोश्त सही से गला ना हो तो रिस्क ज़ाया होता है. इसमें मैंने ले लेने हैं 2 सालन वाले चम्मच कुकिंग ऑयल के. उसके अंदर मैंने डाल दिया है अपना ये गोश्त बकरे का, ठीक है, आपके सामने है. और अब हम इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ डालने लगे हैं, ये देखें बड़ा खूबसूरत मैंने आपको करीब करके दिखाया है गोश्त. देखिए बड़ा प्यारा गला हुआ, ठीक है. इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट. तो व्यूअर्स, अदरक लहसुन का पेस्ट जो होता है वो इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी इसको बना देता है. आपने तकरीबन को 2 मिनट अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना गोश्त को कुकिंग ऑयल के अंदर और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट. अच्छा, ये जो अभी मैंने मसाले आपको थोड़ी देर पहले दिखाए थे, हरी मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है, ये सब मैंने डाल दिया है. लेकिन रेड चिली फ्लेक्स जो है वो सबसे एंड पर डलेगा, तो वो आपने उसको डालना ज़रूर है. रेड चिली फ्लेक्स आपने भूलने नहीं है. और ये जो मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर रही हूँ ये है स्टॉक, वो वाला स्टॉक जिसके अंदर मैंने मटन को जो है वो प्रेशर कुकर में गलाया था, ठीक है. ये वो यखनी है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, एक्स्ट्रा पानी नहीं. इसमें सिर्फ 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर डलने हैं जो कि मैंने डाल दिए. इसकी ग्रेवी बनी ही टमाटर से है, प्याज इसमें बिल्कुल नहीं डलना, ठीक है. तो ये मैंने बड़े साइज़ के इसमें 3 से 4 बड़े साइज़ के टमाटर डाल दिए हैं. और इसको अब हम ढाँप देंगे और तकरीबन पकने देंगे तकरीबन कोई 15 मिनट के लिए लोअर मीडियम फ्लेम पर, ठीक है. और लेट्स सी, देखिए ठीक 15 मिनट के बाद जो है वो मैंने इसका ढक्कन खोला है. तो ये वाली इसकी शक्ल आपके सामने नज़र आती है. अच्छा, रेड चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने बीच में ऐड कर दिए थे, तो वो वाला जो एक है वो मैं शूट करना भूल गई थी. तो आपने रेड चिली फ्लेक्स जो है वो लाजमी ऐड कर देना जब ये थोड़ा सा पकने के करीब हो. तो ये देखें, ये बिल्कुल गोश्त गल चुका है. अगर आप नहीं गलाएँगे गोश्त तो मैं आपको बता दूँ आपका जो है वो मतलब रिस्क जो है वो ज़ाया होगा. और गोश्त जितना ज़्यादा गला हुआ हो उतना ही वो टेस्टी और मज़े का लगता है, ठीक है. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और कमेंट करके बताएगा कि आपको कैसी लगी. और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है. तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिए. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.